नमस्ते, SRMD योगा में आपका स्वागत है। आज के छोटे से वीडियो में हम थायराइड के लिए कुछ योगासन बताएंगे। थायराइड ग्रंथि एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो आपके शरीर में सभी चयापचय की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। यह आपके चयापचय की दर निर्धारित करने में कार्य करती है, आपकी मांसपेशियों की गुणवत्ता बढ़ाती है और मरम्मत करती है, शरीर के वजन और तापमान को नियंत्रण में भी रखती है। हार्मोन की सांद्रता में अस्थिरता होने के परिणाम स्वरूप थायराइड विकार होता है। योगासन के अभ्यास से न सिर्फ आपकी थायराइड ग्रंथि स्वस्थ बनी रहेगी, लेकिन यह ठीक से आपके चयापचय को भी नियंत्रण करेगा। ऐसा करने से आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और आगे की जटिलताओं का खतरा कम भी करते हैं। स्वस्थ जीवन शैली में बदलाव, जैसे कि इन आसनों को अपने दैनिक अभ्यास में जोड़ने से थायराइड से सुरक्षित रूप से निपटने में मदद मिल सकती है। अभ्यास शुरू करने से पहले हमेशा अपने चिकित्सक से परामर्श करें। आइए कुछ आसनों पर नजर डालते हैं जो थायराइड विकारों में मदद करते हैं। उष्ट्रासन से शुरू करते हैं। घुटनों के बल बैठे और अपनी एड़ियों को छत या आकाश की ओर रखें। आपके टखने जमीन को छू सकते हैं। अपने ऊपरी शरीर को सीधा रखें। अब सांस लें और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर मुड़े और एड़ियों को छुए। अपनी छाती को फर्श और अपने पैरों को समांतर रखें। अपने हाथों से अपनी एड़ी को पकड़ते हुए पीछे की ओर झुकें। इस मुद्रा को करते समय कुछ देर तक सांसों को रोकें और अपने गले और गर्दन को खींचे। इसे करने के बाद श्वास ले और आप एक तटस्थ मुद्रा में आ सकते हैं और फिर वज्रासन में। अगला आसन भुजंग आसन या कोबरा मुद्रा है। पेट के बल लेट जाए और अपनी हथेलियों को छाती के बगल में जमीन पर टिकाए। अब सांस लेते हुए अपनी ऊपरी शरीर को सांप की तरह ऊपर उठाए। अपने सिर को पूरी तरह से पीछे की ओर झुकाए। कुछ सांसों के लिए इस स्थिति में रहे और सांस ले। समाप्त होने के बाद धीरे धीरे सांस छोड़े और पीठ को नीचे लाए। और अब हम धनुरासन करेंगे। धनुरासन या धनुष मुद्रा, इसके लिए पेट के बल लेट जाए, अपने पैरों को उठाए और उन्हें अपने कुल्हों की ओर झुकाए। अपने हाथों को पीछे की ओर फैलाए जब तक कि आप अपने पैरों को पकड़ न ले। एक गहरी सांस लेते हुए अपने ऊपरी शरीर को उठाए और सहारे के लिए अपने पैरों का उपयोग करें। आपको इस बिंदु पर एक मजबूत धनुष जैसा दिखना चाहिए। इस मुद्रा को पकड़े और सांस ले। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए मुद्रा को छोड़ दे। अगला आसन सर्वांग आसन या शोल्डर स्टैंड है। अपनी पीठ के बल लेटकर शुरू करें। अपनी हथेलियों और पीठ को फर्श पर मजबूती से दबाएं। सांस लेते समय अपने पैरों को उठाए, इसे 90 डिग्री जमीन से कोण में ले जाए। अब जैसे ही आप सांस लेते हैं अपने पैरों को और ऊपर कंधों की ओर उठाए और फिर सांस छोड़े। कुल्हों को और सहायता देने के लिए अपने हाथों को पीठ के निचले हिस्से में दबाएं। पेट को अंदर खींचकर सुनिश्चित करें कि आपकी कोर मजबूत है। पैरों और शरीर को एक सीधी रेखा में रखें और ठुड्डी को अपनी छाती से लगा ले। 5 गिनने तक गहरी सांस ले और बाहर निकाले। अगली मुद्रा जो हम करेंगे वह हलासन या प्लाव मुद्रा है। सर्वांग आसन से सांस छोड़े और सीधे हलासन या हल मुद्रा में जाए। अपने पैरों को अपने सिर के पीछे फर्श की ओर धकेले और पैरों की उंगलियों को जमीन छूने दे। गहरी सांस लेते हुए इस आसन को 1 मिनट तक रोके। अपने शरीर को अपनी कोन्ही से उठाते समय हाथों को अपनी कमर पे दबाकर आप इसे सहयोग दे सकते हैं। एक बार समाप्त होने के बाद
जैसे ही आप सांस लेते हैं धीरे धीरे अपने पैरों को वापस लाए और सामान्य स्थिति में लौट जाए। नियमित रूप से इन आसनों का अभ्यास करके अपनी चयापचय प्रक्रिया को बरकरार रखें, अपने दिमाग में अपने थायराइड को सामान्य करने का इरादा रखें और स्वस्थ जीवन शैली के विकल्पों के साथ पूर्ण पोषण और उचित चिकित्सा मार्गदर्शन से आप धीरे धीरे अपने थायराइड, अपने शरीर और अपने जीवन की स्थिति में सुधार ला सकते हैं। नमस्ते।